वेदर अलर्ट। झारखंड के इन जिलों में आज तेज बारिश के साथ वज्रपात। जानिए अपने शहर के मौसम का हाल। TNT डेस्क। झारखंड में लगातार 3 दिनों से हुई बारिश के बाद गर्मी ने फिर से अपना कहर बरपा पाना शुरू कर दिया है। अब फिर बारिश के बाद हो रही तेज धूप की वजह से लगातार झारखंड का पारा चलता जा रहा है और लोगों को गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में झारखंड की मौसम की बात की जाए तो झारखंड के कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिश देखी गई, वहीं अधिकांश जिलों में कड़ी धूप खिली रही, जिसकी वजह से फिर से गर्मी से लोगों को गर्मी का एहसास हुआ। आज भी झारखंड में बारिश की लहरें। सोमवार को सबसे अधिकतम तापमान की बात की जाए तो सरायकेला खरसावां जिले में 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान राजधानी रांची का 18.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग की भी ओर से रविवार यानी 12 मई से फिर से झारखंड में गर्मी की संभावना जताई गई है, यानी फिर से लोगों को हीटवेव और गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। वज्रपात और बारिश को लेकर आएंगी कालक। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उड़ीसा के तट पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा जा रहा है, जिसका असर आज भी प्रदेश में देखा जाएगा, यानी आज भी झारखंड के कुछ जिलों में जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। वहीं बारिश और वज्रपात को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। तेज हवाओं के दौरान घर से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी भी दी गई है। इन जिलों में आज होगी मूसलाधार बारिश। जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से वज्रपात और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, उन जिलों में धनबाद, जामताड़ा, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, देवघर, दुमका और पाकुड़ शामिल है। इन जिलों में आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी आशंका है, जिसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं लोहानगरी जमशेदपुर के मौसम की बात की जाए तो जमशेदपुर में शुक्रवार के दिन मौसम का हाल मिला जुला ही रहा, या नहीं दोपहर के समय गर्मी पड़ी तो वहीं रात के समय मौसम ठंडा कूल हो गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं शनिवार की सुबह से ही जमशेदपुर में कड़ी धूप खिली हुई है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आज यहां गर्मी कैसी रहेगी। रांची मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवाओं की संभावना जताई थी। दोपहर बाद से रांची में भी धूप छांव होने लगी। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों में गिरिडीह और कोडरमा के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन, ओलावृष्टि और ठनका के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान हवा भी 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। आंधी चलने के आसार है, इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में 50 km की स्पीड से चलेंगी हवाएं। आज भी ओलावृष्टि की भविष्यवाणी, हिंदी न्यूज। झारखंड में 50 km की स्पीड से चलेंगी। झारखंड में 50 km की स्पीड से चलेंगी हवाएं। आज भी ओलावृष्टि की भविष्यवाणी। रांची को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों के तापमान में कमी आई है। सबसे अधिक तापमान सरायकेला का 44.3 डिग्री रहा। वहीं दूसरी ओर राज्य भर में सोमवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। झारखंड वेदर। रांची में इस सीजन का सबसे ज्यादा गर्म दिन सोमवार रहा। हल्के बादल छाने के बावजूद दोपहर में गर्म हवाओं के थपेरे लोगों को झेलने पड़े। 2 डिग्री बढ़ोतरी के साथ अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इस तरह रांची का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक पहुंच गया है। न्यूनतम पारा 24.9 डिग्री रहा, जो सामान्य तापमान से 2 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार रांची को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों के तापमान में कमी आई है। सबसे अधिक तापमान सरायकेला का 44.3 डिग्री रहा। वहीं दूसरी ओर राज्य भर में सोमवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर समेत आसपास के इलाकों में बादल छाने से तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। गोड्डा का तापमान 34.5 डिग्री और देवघर का 37.5 डिग्री पर आ गया। मौसम विभाग के अनुसार संताल परगना में मंगलवार को तेज हवा और गरज के साथ ओलावृष्टि के आसार हैं। हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से जेठवा फसल को हुआ नुकसान। जयनगर में सोमवार को हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर मिली, लेकिन जेठवा सब्जी फसलों को नुकसान हुआ है। बारिश से सब्जियों को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बारिश के साथ ओलावृष्टि पत्थर पड़ने से भिंडी, करेल, नेनुआ, कद्दू, टमाटर, धनिया आदि फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है। कुशाहन के किसान जीवलाल यादव ने बताया कि इस बारिश और ओलावृष्टि से सभी सब्जियों को नुकसान हुआ है। हम लोग महंगे खाद, बीज और खून पसीना बहाकर सब्जी का फसल करते हैं,
लेकिन पिछले 5 सालों से लगातार प्राकृतिक मार से हम छोटे किसान परेशान हैं। सुगासांत के किसान सुरेंद्र यादव ने बताया कि बेमौसम बारिश से फसलों को लगातार नुकसान हो रही है और सरकार की ओर से हम छोटे किसानों के लिए किसी तरह का कोई मदद नहीं मिलने से हमारी परेशानी बढ़ गई है। आज भी झारखंड में बारिश की लहरें। सोमवार को सबसे अधिकतम तापमान की बात की जाए तो सरायकेला खरसावां जिले में 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान राजधानी रांची का 18.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग की भी ओर से रविवार यानी 12 मई से फिर से झारखंड में गर्मी की संभावना जताई गई है, यानी फिर से लोगों को हीटवेव और गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। वज्रपात और बारिश को लेकर IMD का अलर्ट। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उड़ीसा के तट पर एक एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा जा रहा है, जिसका असर आज भी प्रदेश में देखा जाएगा, यानी आज भी झारखंड के कुछ जिलों में जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। वही बारिश और वज्रपात को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। तेज हवाओं के दौरान घर से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी भी दी गई है। इन जिलों में आज होगी मूसलाधार बारिश। जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से वज्रपात और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, उन जिलों में धनबाद, जामताड़ा, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, देवघर, दुमका और पाकुड़ शामिल है। इन जिलों में आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी आशंका है, जिसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं लोहंगरी जमशेदपुर के मौसम की बात की जाए तो जमशेदपुर में शुक्रवार के दिन मौसम का हाल मिला जुला ही रहा, या नहीं दोपहर के समय गर्मी पड़ी तो वहीं रात के समय मौसम ठंडा कूल हो गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं शनिवार की सुबह से ही जमशेदपुर में कड़ी धूप खिली हुई है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आज यहां गर्मी कैसी रहेगी। भावना जताई थी। दोपहर बाद से रांची में भी धूप छांव होने लगी। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों में गिरिडीह और कोडरमा के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन, ओलावृष्टि और ठंडा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान हवा भी 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। आंधी चलने के आसार है, इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में 50 किमी की स्पीड से चलेंगी हवाएं। आज की ओलावृष्टि की भविष्यवाणी हिंदी न्यूज। झारखंड में 50 किमी की स्पीड से चलें। झारखंड में 50 किमी की स्पीड से चलेंगी हवाएं। आज की ओलावृष्टि की भविष्यवाणी। रांची को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों के तापमान में कमी आई है। सबसे अधिक तापमान सरायकेला का 44.3 डिग्री रहा। वहीं दूसरी ओर राज्यभर में सोमवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। झारखंड वेदर। रांची में इस सीजन का सबसे ज्यादा गर्म दिन सोमवार रहा। हल्के बादल छाने के बावजूद दोपहर में गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को झेलने पड़े। 2 डिग्री बढ़ोतरी के साथ अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इस तरह रांची का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक पहुँच गया है। न्यूनतम पारा 24.9 डिग्री रहा, जो सामान्य तापमान से 2 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार रांची को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों के तापमान में कमी आई है। सबसे अधिक तापमान सरायकेला का 44.3 डिग्री रहा। वहीं दूसरी ओर राज्यभर में सोमवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। रामगढ़, बोकारो, धनबाद।